बहू की अनोखी कहानी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। अंदर से आवाज जिंदा हूँ, माँ जी तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई। कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी बहू चाय के साथ भाजी भी आई। सास ने कहा तेल का क्या मारेगी, बहू ने कहा ठीक है माँ जी ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दे अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाया और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तूने। बहू माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिप कर खड़ी हो गई। सास भजिए पर टूट पड़ी और पूरे भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ, सास ने फिर आवाज लगाई कुछ खाने को मिलेगा। बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई भूखी मारेगी क्या। बहू आई सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से ये क्या है मुझे इसे नहीं खाना है। इसे को डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चल गई। आज इनके घर पूजा था। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई, पहले स्नान किया फिर फूल लाई, माला बनाया, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बजे गए, अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी, उनके पति भी घर पे थे। पूजा शुरू ही, सास चिल्लाती बहू ये नहीं है वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे, आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथ में तेल लग गया था, जिससे वो पोछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कैसी बहू है, कुछ भी नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाया, एक आरती की थाली भी संभाली नहीं सकती। उसके पति भी गुस्से हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोली कि थोड़ा दिया सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसने जाने लगी। बहू दौड़ते दौड़ते खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे, इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला, क्यों एक काम भी ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वाले को तो जानते ही हो ना साहब, वो सब बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का, फिर वो
सब कुछ शुरू हो गए थे, ऐसे खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह। दिन का खाना तो हो चुका था, अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गाना, वापस आ जाना। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसकी गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाती हुई बोली, से अच्छा तो गाती थी जवानी में, तूने तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना के पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ ले आओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है, फिर चिल्लाती, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ, इधर उधर। आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और टूट गई। पति गुस्से में दो थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाए हुए कहता है, जाहिल कहीं की देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोती हुई कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार पूरा मूड खराब कर दिया, यह नहीं बुलाते तो हम कहीं और पार्टी कर लेते, कैसी अनपढ़ गवार बीबी लाई है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती करवा दी। अब सास पड़ोसी की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम भी नहीं आता है। मैंने तो कही होती हूँ अपनी बेटी की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पा जाओगी इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। इसके बेटे ने दोस्त कुछ ही कहने वाले थे कि माँ ने ते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यह दारू पीने आया है, जबकि पता है आज पूजा था और तुम्हें पार्टी करनी है, कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर तो आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू किसी के शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे ही है घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया है, ना दिन भर का खाना, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनती हुई, ताने सुनती हुई घर के काम में लगी रहती। तेरे यार दोस्त को वो अच्छी नहीं लगती, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो भी कभी उन्हें ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई, सबके सामने कहने लगी, किसी ने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ, कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानती भी हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है, बेटी भी है, माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे
दिल की भावनाओं समझ जाती है, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे हजारों ताना सुनती है, पर एक शब्द भी नहीं गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहती हो दूसरी बहू ले आओ, याद है ना छुटकी दादी अपनी बहू की, कर कूत सास ने गुस्से से पड़ोसी के महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियां बीबी भूखे छोड़ घूमते चले गए थे, मेरी इस बहू ने 7 दिन तक हमारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि हमारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इस जाहिल बोलती हो, जाहिल तो तुम सब हो जो कोयल और हीरे में फर्क नहीं जानती। अगर इंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेती हुई फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाया और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देख तो बहू ने कहा, अरे माँ आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे, तुझे नई सास चाहिए होगा, पर मुझे अभी तो तू ही मेरी घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया, सास भी रो दी पहली बार, और कहाँ चला खाना खा ले, फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर आने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगी।